या हेलो हाय फ्रेंड्स, अमित कलेक्शन फैक्ट्री स्टोर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उधार पर। आप ग्राहक हो या दुकानदार हो, ये वीडियो हर किसी के लिए रेलिवेंट है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे इस बात से आप सहमत हैं या फिर आप इसके संदर्भ में कुछ भी आपका जो आपका सुझाव हो या कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक हमें बात बताइए कि जो आप पे भरोसा करके आपको उधार देते हैं तो वो बेवकूफ़ होते हैं या फिर आप बेवकूफ़ होते हो कि उस अच्छा भला आदमी का आप भरोसा तोड़ देते हो। आपको लगता होगा कि अरे यार, मेरा तो 100 रुपया वापस देना है, 85 रुपया देना है, 1000 देना है, 500 रुपया ही वापस करना है, 2000 ही वापस करना है, उससे क्या उसका हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, वैसा 100, 50, 500, 1000 रुपया बहुत सारे लोगों का बकाया होता है दुकानदार के पास। और जब आप 150 कस्टमर का आप उतना छोटा छोटा पैसा आप जोड़ते हो तो वो बहुत कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख हो जाता है। ठीक है, तो आप उसको छोटा अमाउंट मत समझो। आपके लिए वो जो भी अमाउंट हो उसको आप किसी को, अगला को दे दो। ठीक है, आप जब ख़रीदारी करते हो तो आप तो अपना परेशानी नहीं बताते हो, ठीक है, और ना ही आपको देने वाला परेशानी बताता है। ठीक है, तो फिर लौटाने समय ऐसा क्या हो जाता है कि आप 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने, कुछ लोग तो होते हैं जो 1-2 साल तक अपना परेशानी का रोना रोने लगते हैं। ठीक है, और इससे जो दुकानदार का होता है, आपको लगता होगा अरे यार, वो तो उस कपड़े पे तो कमा के ही बेचा है ना, मतलब हम उसको चलो ना देते हैं देंगे। आप ऐसा समझो कि 1000 रुपया का आपका बकाया है, आप उसको 2 महीना बाद, 4 महीना, 6 महीना बाद अगर आप दे रहे हो, ठीक है, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप इस बात को समझो, एक तो आपको वो भरोसा करके दिया, ठीक है, दूसरी बात है कि दुकानदार का रोटेशन गड़बड़ हो जाता है और उससे भी कहीं पैसा चुकाना होता है। ठीक है, और ऐसे ही दुनिया चलता है। ठीक है, अगर हर कोई वापस, और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोग सर्व से जल्दी बोलते नहीं हैं कि भाई इतना आपका बकाया है, आप इसको पहुंचा दो। ठीक है, तो उसका भी लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, जब तक टोका ना जाए, मतलब वापस तो किसी को करना ही नहीं है। ठीक है, तो मैं भी चाहूँगा कि अगर आपका भी कहीं पर बकाया हो तो ये वीडियो को उस आदमी तक भेज दें। ठीक है, ज़रूर उन्हें फॉरवर्ड करें ताकि ये वीडियो देखकर उनको भी एहसास हो। ठीक है, और अगर आप ग्राहक हैं तो कृपया करके आप ये ना सोचो कि हमको कहीं पे 50 रुपया देना है, 100 रुपया देना है या 200 रुपया देना है। आप जिस दुकानदार के पास भी अगर आपका बकाया हो तो उसे कृपया कर आप लौटा दो। और दुकानदार ही नहीं, हो सकता है आपको किसी दोस्त को लौटाना हो, अपने रिश्तेदार को लौटाना हो, तो आप बिना मांगे अगर आप दे देते हो, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आपका वैल्यू बनता है, ना कि आपको महंगे महंगे गाड़ी में महंगे पार्टी करने पर। ठीक है, आप करो, ये सब करो, आपका कोई भी खर्च का आपका हिसाब नहीं मांगने जा रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, कहीं का अगर आप बकाया रखे हो और आप नहीं दे रहे हो और आप लाइफ में कहीं कुछ भी आप किसी के सामने बड़ा बन रहे हो, ठीक है, तो असली में आप बहुत छोटे मतलब इंसान हो। ठीक है, आज माल्या का क्या वैल्यू है, ठीक है, वो तो 1000 करोड़ रुपया लेके भागा है, होगा कितना भी बड़ा एसमोच से रहता हो, ठीक है, लेकिन कितने लोगों के नज़र में उसका क्या औकात है, आप ही बताओ। और ऐसा नहीं, हमें से जितने भी मिडिल क्लास है ना, उन लोगों से बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल वो जी रहा है अभी। तो लाइफ स्टाइल से कुछ नहीं होता है दोस्तों, आप जियो, हर एक चीज़ करो, ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे आप उधार लिए हो और एक समय दिए हो कि हाँ चलो 10 दिन बाद दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे, तो आप उस समय पर अगर ना भी हो पाए तो आप जाओ, मिलते जाओ। ठीक है, लोग ऐसा करेंगे कि मुंह मोड़ लेंगे। यहाँ तो है कि अपने दोस्तों को अगर आप पैसे दे दो और वापस मांगो तो दोस्ती ख़त्म हो जाता है, रिश्तेदारी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और ग्राहक तो खैर उनका तो कहना ही नहीं है, अगर कहीं पे 500 रुपये बाकी है तो वो सोचेंगे कि अरे यार, 100 रुपये का सामान लेना है ना, वो दुकान में जाएंगे तो 500 का पहले वाला देना पड़ेगा, 100 रुपये का कहीं से ले लेते हैं नगद में। ठीक है, तो अब क्या मैं कहूँ ऐसे लोगों को, ठीक है, ऐसे सोच वालों को, तो यही मैं कहूँगा कि ठीक है, आपको अगर वहाँ पे 100 रुपये का सामान लेना है कहीं और से तो आप लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं पे आप अगर पहले उधार लगाए हुए हो तो उसका आप भुगतान कर दो। ठीक है, तो और हाँ, एक चीज़ और, आप अगर आप कोई भी हो, चाहे आप ग्राहक हो, चाहे आप दुकानदार हो, आपका कितना पैसा फंसा है और किसको फंसा है, क्या दोस्त को, रिश्तेदार को या ग्राहक को, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिनसे भी उधारी वसूलना है उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजें, ठीक है, ताकि वो देखकर वो जागरूक हों और आपका पैसा वापस करें समय पर। थैंक यू, और इस चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी अच्छे वीडियो हम और आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।